पेट्रोल 7 रुपए 45 पैसे, डीजल 9 रुपए 56 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत को समझ नहीं आ रही मुल्क कैसे चलाना है। जमा पूंजी पेट्रोल कीमत में खर्च हो जाती है, शाबाश लेने के बाद फिर महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया गया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के आवाम हुक्मरानों के खिलाफ फट पड़े। पेट्रोल इन कीमत में इजाफा किया है, ये आवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया है। पहले हम बिजली के बिलों से तंग है, आवाम बहुत महंगाई में पहले भी पिस रही है। आवाम पहले ही महंगाई की सताई हुई है, जो बिजली के बिल भेज दिए हैं वो भी लोगों को नाकाबले बर्दाश्त हैं। इतनी इनकम नहीं है जितने अखराजात हो गए हैं। सर ये तो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी, और इसके अलावा मतलब है हर चीज़ महंगी होगी जिसकी वजह से नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। महंगाई अब इतनी है, मजीद बढ़ेगी जिसकी वजह से तूफान ज़्यादा हम पे ही गिरेगा। बिजली की कीमतों में आए रोज इजाफा, कौमी ताजर इतिहाद मुल्तान का शेरशाह रोड पर एहतजाज। मरकजी सदर सुल्तान महमूद का कहना था बिजली की कीमतों में इजाफा आवाम से जुल्म है, हुकूमत ने हर चीज पर टैक्स लगाकर मुआशी कत्ल किया। शहरियों की सब्र का पैमाना लबरेज, रहीमिया खान में बिजली के होशुबा बिलों के खिलाफ एहतजाज, बिल जला दिए। मुजाहरीन का कहना था हुकूमत ने आवाम का जीना मुहाल कर रखा है, आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया है। खानेवाल पोस्ट ऑफिस की मुबैना हड़ताल में मेपको के करोड़ों रुपए रिकवर ना हो सके, सार्फीन और मेपको मुलाजमीन सराब एहतजाज। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर गुज़िश्ता रोज बिल वसूल नहीं किए गए, मुजाहरीन का इल्जाम। जान बचाने वाली अद्वियात जान से भी कीमती, मियांवाली में अद्वियात की कीमतों में इजाफा, पोमस्टान की डिब्बी 530 रुपए की हो गई। वीनोफर इंजेक्शन 3800 रुपए में फरोख्त होने लगा, नीरोबियन इंजेक्शन क्लारीसाइड गोलियां भी पहुंच से बाहर। मुल्तान इंतजामिया खुशाखा महंगाई पर काबू पाने में नाकाम, अदरक 750, लहसुन 450 और टमाटर 200 रुपए किलो, आम के मुख्तलिफ इकसाम 80 से लेकर 300 रुपए किलो, खुबानी 300 और जामुन 350 रुपए किलो फरोख्त। नए माली साल का आगाज, महकमे एक्साइज ने सिस्टम अपग्रेड कर दिया, ट्रांसफर फीसें और टोकन टैक्स में इजाफा, लाइफ टाइम टोकन टैक्स वसूली में तब्दीली। एक्साइज हुकाम के मुताबिक अरबों रुपए इजाफी हासिल होंगे। महकमे सेहत की संगीन नाअहली, डॉक्टर्स का मुस्तकबिल दांव पर लग गया, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम रजिस्टर्ड न होने का इंकशाफ। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में ट्रेनिंग मंजूर शुदा नहीं। जनूबी पंजाब में गर्मी की शिद्दत बरकरार, चोलिस्तान डीजी खान और रहीमिया खान में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड, मुल्तान बहावलपुर में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सरगोदा मियांवाली में इस वक्त पारा 41 डिग्री है, गर्मी की वजह से कारोबारी मराकज वीरान। पुलिस मियांवाली में खूनरेजी रोकने में नाकाम, गुज़िश्ता हफ्ते 5 कत्ल, इकदाम कत्ल के 11 वाकयात, मुख्तलिफ मकामात से 11 मोटरसाइकिल चोरी, एक ही रात में 3 वारदातें, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिए। मुल्तान से सियाहत के लिए कोयटा जाने वाले 5 अफराद का मुबैना अखबार, लवाहिकीन गम से निठार, बाजियाब कराने की अपील। वालिद रफी का कहना है खानदान 1.5 माह कबल बलूचिस्तान गया था, मुलजिमों ने 3 बेटों को जरगोन से अगवा किया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान की इमारत फंड्स के मुंतजर, तीसरे मरहले के लिए बजट जारी ना हुआ। चाइल्ड प्रोटेक्शन की इमारत 30 कैनाल 7 मरले पर मुहित है, इमारत की तामीर के लिए 200 मिलियन रुपए की मंजूरी दी गई थी। मुल्तान में अंधेर नगरी चौपट राज, निश्तर हॉस्पिटल में इलाज से पार्किंग महंगी पड़ने लगी, लवाहिकीन से रोजाना लाखों रुपए बटोरे जाने लगे, मोटरसाइकिल पार्किंग के लिए जबरदस्ती 30 रुपए वसूली जारी।
भेरा में वाटर सप्लाई की बोसीदा लाइनें फट गईं। सीवरेज का पानी पीने के पानी में शामिल होने लगा। गंदा पानी पीने से शहरी मुख्तलिफ अमराज का शिकार। साफ पानी की फराहमी के लिए इकदाम करने का मुतालबा। कोहे सुलेमान में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की कार्रवाई। गोदामों में जखीरा करदा लाखों रुपए का नॉन कस्टम पेड सामान जब्त। गैर मुल्की सिगरेट, चॉपर, छालिया, पापड़ और नमक कस्टम हुकाम के हवाले। सादिक अब्बासी अस्पताल बहावलपुर का शोबे एमरजेंसी 8 माह बाद पाल। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने इफ्तिताह किया। मलिक जहीर इकबाल चंडन का कहना था, कलील मुद्दत में ट्रॉमा सेंटर की अपग्रेडेशन की। विक्टोरिया अस्पताल की इमरजेंसी पर बोझ कम होगा। डिप्टी स्पीकर का नए अस्पताल का संगे बुनियाद रखने का ऐलान। एक माह के दौरान बहावलपुर में दूसरी इंसदाद पोलियो मुहिम। जिला भर में 8,24,000 बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। डीएचओ डॉक्टर खालिद चन्नड़ कहते हैं, घर घर कचरे पिलाने के लिए टीमें तश्कील दे दी है। डीसी मुल्तान का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा। वार्ड्स, आउटडोर फार्मेसी समेत मुख्तलिफ शोबों का मुआयना। मरीजों के लिए मजीद कुर्सियां, पर्ची काउंटर्स लगाने की हिदायत। डीसी ने हेल्थ काउंसिल के इजलास की सदारत भी की। डीपी लोधरा की गहरोड़ पर कामद। मुहर्रम जुलूस के रूट्स का दौरा। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान की जेर सदारत रजाकारों का इजलास। कयामियम के हवाले से एसी ऑफिस सादिकाबाद में भी इजलास। मॉनसून की बारिशों में सैलाब का खदशा। डिप्टी कमिश्नर को फसलों की बर्बाद गिरदावरी करने का हुक्म। नुकसान की सूरत में रिलीफ फराहम करना जिम्मेदारी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब की तरफ से मुरासला इरसाल। मुमकिन सैलाब के खतरे से निमटने की तैयारियां। रेस्क्यू समेत जिले इदारों की कबीरवाला में फर्जी मशकें। दरिया रावी हेड सुधानी के मकाम पर मशकें की गईं। डीसी ने मुआयना किया। इंतजाम पर इजहार इत्मीनान। और मुहर्रम उल हराम में कयामी अमन के लिए इकदाम। डीसी ऑफिस भावलपुर से सफीरान अमन काफला रवाना। शरका लाल सुहानरा कायमपुर और हासिलपुर जाएंगे। मसाजिद और इमाम बारगाहों में अमन की बात की जाएगी।